इटावा से खबर है। पीड़ित भाई ने बताया कि बगल के मोहल्ले के दबंग आरोपी बीते मंगलवार की शाम को नशे की हालत में मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी छोटी बहन से अश्लील छीटाकसी करते हुए आई लव यू बोलने लगे। इस बात की शिकायत मेरे घर वालों के द्वारा आरोपी के घर जाकर की, जिससे गुस्से में आकर मंगलवार की सुबह मुझे आरोपी ने घेर कर मुझे और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्सा होकर वो थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ आकर जानलेवा फायर कर दिया और मेरे दाऊ की छाती पर असलाह रखकर गोली मारने की भी धमकी दी। इटावा से रवि कुमार अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ, पूरी बात बताइए। कल हम अपना काम करके आए तो राहुल मेरी बहन से छेड़छाड़ कर रहे थे। उनके घर पे गए हम लोग, घर वाले सब लोग, तो उनके घर पे शिकायत की। उनकी मम्मी ने कहा उन्हें डांटेंगे, उनकी मम्मी ने घर रख लिया। फिर हम अपने जहाँ पापड़ लगाते हैं वहाँ उनके घर पे गए थे, वो गाली गलौज कर रहे थे कि जान से मार देंगे दोनों भाइयों को। तो जो पापड़ लगाते हुए उन्होंने हमें समझाया कि आप घर जाओ, कुछ करना नहीं। सुबह हम सुबह 11 बजे हम सड़क पे गए हैं, सुबह 11:30 बजे करीबन। उधर राहुल ठड़े थे जान से मारने की, दोनों भाई को धमकी दे रहे थे, तो हमने उन्हों को पकड़ा, एक थप्पड़ मार दिया, तो इतने में भागे और क्या नाम है, उधर से वे अपने दोस्तों के साथ गोली चलाते हुए आए। जान से मारने की प्रयास किया हम दोनों भाइयों को और मेरे दाऊ को, और दाऊ के ऊपर, मेरे दाऊ के ऊपर पिस्टन रख दी और चलाते हुए आए। बहन के साथ क्या छेड़छाड़ कर सी थी? बस कल ही छेड़छाड़ नशे के झोंके में। क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे आई लव यू। अच्छा, दरवाजे पर। हाँ, तो यहाँ क्या पुलिस को क्या क्या चीज़ें बरामद की? आप हमने दो जिंदा कास्तूल और एक खोखा बरामद कराया है और वीडियो है हमारे पास। हाँ, तो FIR लिखा दी हमने, FIR लिखा दी है। कौन, क्या गुंडे लोग हैं? कौन लोग? हाँ, गुंडे हैं, लुटेरे हैं साहब। अच्छा, तो पुलिस करती है? उनका कुछ नहीं करती है, वे एक दिन पकड़ जाते हैं दूसरे दिन छूट जाते हैं। थाना क्षेत्र कोतवाली में दीपू नामक एक नवयुवक द्वारा कल शिकायत की गई थी कि वो अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे थे। उसी दौरान राहुल और उसके दो साथी उसकी बहन पर छीटाकसी करते हैं और बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसकी शिकायत दीपू ने जब इनके परिजनों से की तो आरोपियों द्वारा फायरिंग की घटना की गई। इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और तत्काल जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। फायर आर्म भी बरामद किया गया है। जो दो अन्य आरोपी हैं वो भागे हुए हैं, इनके संबंध में और विस्तृत जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।